दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। सहारा इंडिया का अब पैसा रिलीज होगा। लाखों जमाकर्ता जो थे उनका अब दुख दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन बस इतना ही से नहीं, जैसे ही आपने सुना सहारा इंडिया का जो लाखों जमाकर्ता हैं उनका दुख दर्द दूर हो जाएगा, तो दुख दर्द जो है वह कौन दूर करेगा? क्या आपके एजेंट कर देंगे? ना ना, अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ोगे तो फंसना पड़ सकता है, अभी भी कुछ सालों के लिए झूल सकते हैं। क्योंकि जो मुझे जानकारी हुई है उसमें कल एक वेबसाइट लॉन्च किया गया, लेकिन उसमें क्या कुछ गड़बड़ियां हैं तो हम चलिए आपको जाने माने जो सहारा इंडिया पर एकदम पैनी नज़र बना के रखे हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं उनको सुनते हैं और समझते हैं। आप इनकी खबर को हम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाल देते हैं वहाँ पर भी जाकर आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं, या मैं बोल देता हूँ आप नोट डाउन करके भी वहाँ पर जाकर आप उस खबर को पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर सहारा इंडिया से जुड़े मामले में अगर आपका पैसा फंसा है तो ये खबर आपके लिए सुविधाजनक हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो क्या कह रहे हैं सुरजीत श्यामल जी, जो workervoice.in आप टाइप कर सकते हैं, www.workervoice.in, वहां पर जाकर पूरी खबर आप पढ़ भी सकते हैं। और वहां पर जो लिंक है, अलग अलग जो लिंक है, आपको कैसे पैसा निकालने हैं, किस फॉर्म को भरना है, वो सारे हम जानकारी यहाँ पर, चलिए आपको सुरजीत श्यामल जी क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरजीत श्यामल, आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों से एक स्क्रीनशॉट भेजा जो कि सहारा इंडिया का क्लेम करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च हुआ है और उन्होंने ऐसा बताया और इसको चेक करने के लिए बोला। मैंने भी जब देखा तो मुझे लगा कि भाई मुझे पता नहीं चला और इस तरह का वेबसाइट आ गया, और ये CRC रिफंड पोर्टल के नाम से है और शायद उन्होंने इसमें अपना मेंबरशिप नंबर आधार नंबर वगैरह भी डाला है, और डालने के बाद स्क्रीनशॉट लिया है और उन्होंने ये कहा कि आज ये वायरल हो रहा है। और पता नहीं उन्होंने इसको भरा है या फिर किसी साथी ने उनको ऐसा दिया। और उसके बाद मैंने YouTube पर जाकर के देखा तो बहुत सारे YouTube पे ये बताया जा रहा है कि कैसे उसमें क्लेम करना है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, और पहले भी मैंने आपको यही आगाह किया था कि जब भी पोर्टल आएगा तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैं अनुरोध करूंगा कि अभी आप लोग क्लेम नहीं कीजिए। और क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और इस पोर्टल के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूं, और साथ ही इसको देखने के बाद मैंने क्या क्या जांचा इसमें वो भी बताऊंगा। और पहले ही मैं आपसे आगाह करके आया हूं कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो इतना आसानी से आपको पैसा मिलना नहीं है, और इस तरह का किया जाएगा इसकी आशंका हमने पहले भी जाहिर की थी। अब ये पोर्टल सही में CRC के द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया गया है इसका मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैं एक बार पोर्टल आपको दिखाता हूं जिसके बारे में काफी लोग आपको बता रहे होंगे, और इसी के लिए मैं लाइव आकर के वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग गुमराह नहीं हो। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल का कैमरा, हाँ यहाँ है, हाँ ये वाला पोर्टल है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये CRC के द्वारा जारी किया गया और इसी के द्वारा भुगतान मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जाकर के इसका लिंक देखिएगा तो ये नॉट सिक्योर है। सबसे पहले ये वाला आप देखिए नॉट सिक्योर है, उसके बाद यहाँ पे नेकेड आईपी है, आईपी दिख रहा है। जबकि आपको मैं बता दूं कि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार का जो पोर्टल है उस पर अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है और ना ही वहां पे इसका लिंक दिया गया। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है सहकारिता मंत्रालय का वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए कोई भी सरकारी वेबसाइट जब होता है तो उसके लास्ट में gov.in जरूर मिलेगा आपको, पहला नंबर। दूसरा HTTPS है, सिक्योर है ना, ये वाला आपको जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है जब आपको उस नोटिस के द्वारा जारी करके यही बताया गया है कि जब वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, आपको अखबार के माध्यम से बताया जाएगा। तो यहाँ पे आकर के चेक कीजिएगा तो कहीं भी जो साइट है उसकी जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, जमाकर्ता रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर ये सही हुआ तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गलत हुआ तो सदस्यता संख्या, आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर से जुड़ा है, और मोबाइल नंबर OTP मांग रहे हैं। तो ऐसे में ये किसका वेबसाइट है, नहीं वेबसाइट है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। और अगर बाय द वे अगर किसी
फर्जी करने वाले का होगा, किसी हैकर का होगा, तो बहुत सारा चीज आपका उसके पास चला जाएगा। हो सकता है कुछ अकाउंट में से पैसा उसा भी काट ले इस तरह का ओटीपी वगैरह ले करके। और इसी के लिए जैसे ही मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आई, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि जाकर के सबसे पहले मैंने क्या किया, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है सहकारिता मंत्रालय का, उन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार का ये वाला पेज बनाया है, तो यहीं पे जाकर के मैंने चेक किया, क्योंकि जब भी आएगा तो यहीं पे आएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे https://corporation.gov.in करके लिखा हुआ है, यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये पहले वाला जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार का एक अलग वेबसाइट है, ना इस पे सूचना है ना इस पे सूचना है। और ये एक नया वेबसाइट आ गया जो कि नॉट सिक्योर भी है, और इसका जो आईपी है नेकेड है, इसीलिए नेकेड है। अगर किसी ने फ्रॉड करने के लिए बनाया होगा तो इसमें नाम इसीलिए नहीं दिया है जिससे लोगों को पता ना चल जाए कि भाई ये कोई और वेबसाइट है। तो इसके लिए मुझे जैसे ही इस पे नजर पड़ी तो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही क्या किया है, ईमेल किया है, ईमेल करके शिकायत दिया है सहारा इंडिया सोसाइटी का, क्लेम के लिए वेबसाइट ये वाला आपका है कि नहीं है। और इसमें मैंने क्या लिखा है ये देखिए, मैंने लिखा है कि आज मैंने पाया कि एक वेबसाइट जो कि आईपी है द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश 29 मार्च के अनुपालन हेतु सहारा इंडिया सोसाइटी के रिफंड के लिए क्लेम ले रहा है, जिस पर न केवल आपके विभाग का लोगो, प्रधानमंत्री व सहकारिता मंत्री का फोटो लगा है, बल्कि वह सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का होने का दावा भी कर रहा है। जबकि अभी तक आपके वेबसाइट लॉन्च का कोई घोषणा की गई है और आपके ऑफिशियल पेज पर भी इस वेबसाइट का कोई लिंक नहीं है। और ये मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया उनको, और देने के बाद यहाँ पे देखिए, यही नहीं बल्कि ये सेंट्रल रजिस्ट्रार जमा करता आधार नंबर ओटीपी ले रहा है, आशंका है कि आपका कि यह उक्त जो वेबसाइट है आपका नहीं है, मतलब फर्जी है, पूरे देश के लाखों जमाकर्ताओं से बहुत बड़ा ठगी को अंजाम दिया जा सकता है, इसीलिए इसको जांच किया जाए। और इसको न केवल मैंने सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया है, अमित शाह जी को दिया है, अमित शाह जी के साथ और जितना भी उनका कोऑपरेटिव मंत्रालय है उसके अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस को भी दिया है कि इस तरह का अगर किसी ने बना लिया है तो इसका अविलंब जांच किया जाए, क्योंकि ऐसे में लोग अगर क्लेम कर देंगे और ये अगर फर्जी होगा, सही होगा तो सूचना देना चाहिए सरकार को कि भाई ये हमारा वेबसाइट है और यहाँ पर आकर के आप क्लेम कीजिए, क्योंकि मैंने इसमें दो तीन चीज़ देखा है जिससे कि मुझे डाउट है कि ये सही हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो आप नोटिफिकेशन देखिएगा, सरकार का गजट नोटिफिकेशन, उस पर यही कहा गया था कि आधार स्वैच्छिक होगा, और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ आधार नंबर का ओटीपी ले रहे हैं, सबसे बड़ा बात ये है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है फर्जी है, और इसीलिए हमने क्या किया, इसके लिए मेल कर दिया है। और कोई भी आदमी जब तक सरकार के तरफ से कोई सूचना नहीं दिया जाए तब तक कहीं भी क्लेम नहीं करे, क्योंकि क्लेम करने जाएंगे कुछ ओटीपी ले लेगा, पता चलेगा ओटीपी ले रहा है आपके अकाउंट से पैसा काटने के लिए, पता चला 5-10 हजार रुपए आपके अकाउंट से ही कट गया, तब पता चला लेनी का देनी पड़ गया। तो इसीलिए हमने आप सभी लोगों को पहले ही कहा था कि जब तक मैं नहीं बताऊं तब तक आपको क्लेम नहीं करना है। अगर आपने क्लेम कर दिया होगा तब तो क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसके लिए अगर आपने क्लेम कर दिया है यहाँ पे और आपको डाउट हो रहा है कि इसे ये हमारे साथ कुछ फर्जीवाड़ा हो सकता है या फिर आपके अकाउंट से पैसा कट जाए या कुछ हो जाए, तो एक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं अगर कोई भी साइबर फ्रॉड आपके साथ होता है। तो अब ये देखना है कि सरकार के पास हमने जो ये अभी मेल किया है इस पे कितना जल्दी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाता है, और ये जो पोर्टल है ये सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने सी से सीआरसी रिफंड पोर्टल नाम दिया है और इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है एकदम वहां से उठा करके कॉपी करके दे दिया है, लेकिन आवेदन कैसे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। अब ये सही है या नहीं है मैं कंफर्म दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इसके यूआरएल को देख करके ही मुझे डाउट लग रहा था, और इसी के लिए हमने कंप्लेन कर दिया है। और जब तक उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई लिंक नहीं आया और आएगा भी तो gov.in करके ही होगा मुझे जैसा उम्मीद है। और इस तरह के नेकेड आईपी पर और खासकर जो इन्होंने अनसिक्योर वाला है HTTP पे कभी भी ये रिक्वेस्ट नहीं लेंगे, और सबसे बड़ी बात है आपका अकाउंट नंबर भी लेना है। कई लोग ये भी बता रहे थे कि आप ऐसे अप्लाई कीजिए वैसे अप्लाई कीजिए, तो मैं आपको यही अनुरोध करूंगा कि जब तक सरकार के द्वारा ऑफिशियली घोषणा ना की जाए तब तक आपको कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई के नाम पे आपसे ठगी हो जाएगा,
पहले से आपका पैसा फंसा हुआ और पैसा फंस जाएगा। तो मैं मुझे जैसे ही लगा कि भाई मुझे बताना चाहिए, तो मैं जल्दी से लाइव आकर के बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एडिट करने का समय नहीं है। हो सकता है उतने देर में बहुत सारे लोग अप्लाई कर देंगे, और आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि कहीं कोई आदमी फंस ना जाए इसमें। पता नहीं, अगर फर्जी पोर्टल होगा तो कुछ भी लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो हमने जो कंप्लेन किया है उसका अगर रिप्लाई आता है या फिर उस पर एक्शन होता है, तो थोड़ी देर के बाद अगर गलत साइट होगा तो देखिएगा थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा, और नहीं अगर सही पोर्टल होगा तो ये जो नॉट सिक्योर वगैरह करके आ रहा है ये सारा कुछ हट जाएगा। हटने के बाद जहां से इंफॉर्मेशन देना है सरकार को वहां से दिया जाएगा, वहां लिंक लगेगा, तब जा करके एक बार वेट कीजिएगा मेरे वीडियो आने का, उसके बाद ही क्लेम कीजिएगा। सभी लोगों से मैं यही कहूंगा और सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आपके लिए जरूरी होगा वही जानकारी मैं दूंगा। और सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि किसी को पेपर नहीं देना है किसी को क्लेम करने के लिए, चाहे वो एजेंट हो, चाहे सहारा का कोई जमाकर्ता, ये कोई ऑफिस का उसका स्टाफ हो, किसी को पेपर नहीं देना है। क्योंकि जैसे ही क्लेम करने का इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आप खुद से अपने आसपास में जो आपका साइबर कैफे होगा, आपका भाई होगा, आपका साथी होगा, जो भी होगा साइबर कैफे वाला, वो 10-20-50 रुपया जो भी लेकर के, जैसे आप अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, आधार कार्ड के लिए नाम सुधार करवाते हैं, वैसे ही करके वो आपकी मदद कर देंगे। आप जाएंगे और आप आराम से क्लेम कर देंगे, इसके लिए कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको सहारा के पास जाना है। सेंट्रल रजिस्ट्रार वेबसाइट बनाएगा, और पीछे लाइव में हमने खुद बताया था कि इस तरह का फर्जीवाड़ा, फर्जी साइट कोई बना करके आप लोगों से डाटा कलेक्ट करना ना शुरू कर दे, आप लोगों के साथ फर्जीवाड़ा शुरू ना कर दे। तो इसीलिए सभी लोग जुड़े रहें, और जैसे ही हमारे पास इसकी कोई भी जानकारी आएगी तो फिर मैं लाइव आकर के दूंगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।